हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम वेट लिफ्टिंग करके अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि आप सारे टाइम इतनी मेहनत करते हो और आप अपना वेट पुट ऑन करते हो और पीरियड्स के टाइम पे वो वेट आप लूज़ कर जाते हो। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्यों होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आप अपना वेट कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये बता दूं कि कोई मैं मैजिक ट्रिक नहीं देने वाली हूं। जो भी मैं बात करूंगी वो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगी, जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, जो मुझ पे काम की हैं, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को दूंगी। सो बाय ऑल मीन्स ट्राई करो एंड सी कि आपके लिए क्या काम करता है। कोई मैजिक नहीं है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि आप अपने बॉडी वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं पीरियड्स के दिनों में। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, जिसकी वजह से हर किसी को अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग बहुत वीक फील करते हैं, बहुत फ्रेजाइल फील करते हैं, पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्रैम्पिंग होती है। वहीं कुछ लोग बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, उनको कोई पीरियड पेन नहीं होता, स्ट्रेंथ वाइज एनर्जी वाइज उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल रूटीन जो उनका वो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ ही चेंजेस आते हैं एपेटाइट में। कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, शुगर की क्रेविंग ज़्यादा होने लग जाती है, कुछ लोगों का एपेटाइट डिक्रीज हो जाता है, ब्लोटिंग ज़्यादा फील होती है, जिसकी वजह से बॉडी वेट में फ्लक्चुएशंस भी नोटिस होते हैं। सो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत नॉर्मल है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते ही हैं, तो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं उन दिनों में, ताकि हम अपना वेट जो है मेंटेन करके रख सकें। बाकी थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस जो हैं वो हर कोई नोटिस करता है, एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी वो ये कि पीरियड्स के एटलीस्ट फर्स्ट के 2 से 3 दिनों में, जब सबसे ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, उन दिनों में फिज़िकली एक्टिव रहो। आप वर्कआउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वर्कआउट्स नहीं कर सकते हो तो दैट्स टोटली फाइन, वर्कआउट करना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप फिज़िकली एक्टिव रह सकते हो। छोटी मोटी वॉक्स हो गई, घर के कामों में हेल्प कराओ, ताकि मूवमेंट बनी रहे बॉडी में, ताकि आप अपनी बॉडी को हेल्प कर सको उस प्रोसेस के दौरान। मेरे वेट गेन प्रोग्राम में भी मैं अपने क्लाइंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ कि अगर उन्हें लगता है उन्हें अपने पीरियड्स के फर्स्ट के 1-2 दिनों में या 3 दिनों में रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो बहुत वीक फील करते हैं, फ्रेजाइल फील करते हैं, देन दे कैन टेक दैट रेस्ट फ्रॉम वर्कआउट्स। वर्कआउट्स मत करो, बट फिजिकली एक्टिव रहो, और 3rd या 4th दिन से आप अपना वर्कआउट रिज्यूम कर सकते हो। पीरियड्स में वर्कआउट करने से कोई हार्म नहीं है, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो बाय ऑल मीन्स करो, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी तक का आप वर्कआउट करो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है देन मत करो, इट्स वेरी सिंपल। बट फिजिकली एक्टिव रहो, ताकि आप अपनी बॉडी को इस प्रोसेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हो वो कर सको। दूसरी चीज़ ये कि पीरियड्स के टाइम पे बॉडी में फ्लूइड लॉस काफ़ी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ईजिली डिहाइड्रेट हो सकती है। सो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दिनों में स्पेशली कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करके रखो, राइट? अगर आप रेगुलर दिनों में 2 लीटर तक पानी पीते हो तो इन दिनों में मे बी 2.5 लीटर तक पानी पियो, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि पीरियड्स में आपकी जो बॉडी का वॉल्यूम है या जो प्लम्पनेस है वो कम हो रही है, देन दैट्स बिकॉज क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आपकी स्किन डिहाइड्रेट है, तो जो प्लम्पनेस है, जो वॉल्यूम है शरीर का, वो आप नोटिस करते हो कि वो चला गया। उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई है, जिसका डायरेक्ट इलाज यही है कि आप हाइड्रेट रखो अपनी बॉडी को उन दिनों में। आई रिमेंबर बैक इन द डेज मैं हर्बल टीज, ग्रीन टीज, कुछ भी वार्म ड्रिंक जो हो उसको सिप करती रहती थी, ताकि बॉडी में वाटर भी जाता रहे, और ऑफकोर्स कुछ आप गर्म पीते हो उन दिनों में पीरियड पेन्स के टाइम पे, देन ऑफकोर्स यू फील अ लॉट रिलैक्सड एज वेल, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। एंड नो, ऑफकोर्स नॉट हर्बल टी पीने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। नींबू का पानी पीने से या ग्रीन टी पीने से वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेक श्योर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे हो उन दिनों में, देन उसके अलावा आप ये वार्म टीज और हर्बल टीज और वार्म वाटर्स ले सकते हो, इट विल नॉट क्रिएट एनी फर्दर वेट लॉस। एंड लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है खाने की बात, आपकी कैलोरीज। नाउ सबसे पहले तो ये समझो कि आपको उन दिनों में सिर्फ ये फोकस रखना है कि आप अपना वेट मेंटेन कैसे कर सकते हो, राइट? फॉरगेट अबाउट गेनिंग वेट इन दोज डेज। अगर आप वीक फील करते हो, वर्कआउट्स भी नहीं कर सकते और आपको भूख भी लगनी कम हो जाती है, तो फॉरगेट अबाउट गेनिंग वेट इन दोज डेज, सिर्फ फोकस रखो कि आप अपना जो वेट है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो, राइट?
मेंटेनेंस कैलोरीज करने के बाद आप जो अब मैं आप लोगों के साथ कैलकुलेशन शेयर करने वाली हूँ वो आप कर सकते हो, बट अगेन प्लीज़ नोट, हर किसी के लिए नंबर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, सो प्लीज़ टेस्ट करो, ट्राई करो, हर महीने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो ताकि आप फिगर आउट कर सको कि आपके लिए कितना ग्राम प्रोटीन या कितना ग्राम फैट या कितनी कैलोरी सफिशिएंट होंगी आपके वेट को मेंटेन करने के लिए। और ये हम तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप के ऊपर इन चीज़ों को ट्राई करोगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम इट कि क्या आप पे काम कर रहा है, क्या आपकी बॉडी पे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा और क्या चेंजेस आपको मंथ बाय मंथ उसमें करने। नाउ लेट्स से किसी की मेंटेनेंस कैलोरीज 1300 हैं एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो 2 से 3 दिन तक वर्कआउट नहीं करेंगे, तो अगर उन 2 से 3 दिनों में वो ये मेक श्योर कर ले कि वो 1300 कैलोरीज हर रोज़ खा लें, देन दे कैन ईजिली मेक श्योर कि वो अपना जो वेट है वो मेंटेन करके रख सकें उन 2 से 3 दिनों में। अब इन कैलोरीज में से कितना प्रोटीन, कितना फैट्स और कितना कार्ब्स होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हो सो उन 2 से 3 दिनों में आपको स्टिल अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन देना पड़ेगा ताकि जो आपने मसल अब तक गेन की है आप उसको मेंटेन करके रख सको। राइट नाउ मसल गेन करना ईजी प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसके साथ ही मसल लूज करना भी उतना ईजी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं मेंटेनेंस के बारे में आपको जरूर अभी बताऊंगी, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखो कि आफ्टर अ वाइल, आफ्टर मेनी मंथ्स एंड और इयर्स, जब आप इनफ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन कर लेते हो तो चाहे पीरियड्स हो या आप बीमार पड़ जाओ या आप एक हफ्ते की छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाओ, आप मसल जो है वो इतना जल्दी लूज नहीं करोगे। ओके ऑफ कोर्स आपको मेंटेनेंस पे फिर भी काम करना पड़ेगा ताकि आप अपनी तरफ से अपनी बॉडी को हेल्प कर सको कि वो ज़्यादा लूज ना करे, बट एट द सेम टाइम मसल लूज करना उतना ईजी नहीं है। फैट आप फटाफट से लूज कर सकते हो लेकिन मसल आप उतनी जल्दी लूज नहीं करते हो। राइट सो मेक श्योर आप ये प्रोसेस लंबे समय तक फॉलो करो ताकि आप अपनी बॉडी में अच्छी डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर सको। नाउ कमिंग बैक टू माई मेंटेनेंस कैलरीज, जो मैं 1300 कैलरीज का एग्जाम्पल दे रही थी आपको, नाउ नॉर्मल दिनों में व्हाट आई वुड रेकमेंड इज जब आप गेनिंग प्रोसेस में होते हो, जब आप सरप्लस में खा रहे होते हो, तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि कम से कम 1.5 ग्राम से 2 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको चाहिए। राइट गेनिंग के टाइम पे, तो जब आप मेंटेनेंस में आ गए हो उन 2 या 3 दिनों में, तो आप 1 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक का प्रोटीन आप ले सकते हो। राइट सो आपकी प्रोटीन की डिमांड भी वहाँ कम होगी क्योंकि आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो, आप अपने मसल्स को टॉर्चर नहीं कर रहे हो उन 2 से 3 दिनों में, तो डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने प्रोटीन के इनटेक को थोड़ा सा कम कर सकते हो। सो 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट की जो रेंज है, इस रेंज में आप अपने आप को ट्राई कर सकते हो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम। आप अगर लोअर रेंज साइड पर रहते हो तो आके आप मेंटेन कर पा रहे हो, अगर आप फिर भी लूज़ कर रहे हो तो वो रेंज को बढ़ा दो एंड देन ट्राई फॉर योरसेल्फ कि उस रेंज में आप कितना प्रोटीन लो ताकि आप अपना वेट जो है वो मेंटेन करके रख सको। राइट उसके बाद जो आपकी 1300 कैलोरीज है उसमें से कम से कम 25 से 30% कैलोरीज जो हैं आपकी फैट से आनी चाहिए और बाकी सब जो बचा है वो सारा कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। राइट ना कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत बहुत ईजी है, आप चावल खाते हो, आप दलिया खाते हो, आप रोटी खाते हो, इन सारी चीज़ों से आपको आसानी से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। मेजर जो चीज़ है वो हमेशा हमेशा चाहे आप गेनिंग में हो चाहे मेंटेनेंस में हो प्रोटीन की होती है, बिकॉज वी हैव टू बी माइंडफुल कि जिस तरीके के इंग्रेडिएंट्स या जो चीज़ें आप चूज़ कर रहे हो उससे आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है और जितना मिल रहा है वो क्या इनफ है मेंटेनिंग के लिए या फिर गेनिंग के लिए। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बेसिक सा फूड प्लान और जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से आप इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन टुगेदर कर सकते हो टू मेक श्योर कि ए आप प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर सको और बी किस तरीके के ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स काफ़ी टाइम सॉलिड इनटेक लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप इतना ब्लोटेड फील करते हो, आपसे खाया ही नहीं जा रहा, तो हाउ आर यू सपोज टू कंज्यूम ऑल दीज कैलोरीज। तो उस टाइम पे स्मार्टली आप कैसे लिक्विड कैलोरीज की तरफ भी मूव कर सकते हो वो भी मैं आपको इस छोटे से फूड प्लान के एग्जांपल में दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़े आइडियाज मिल सकें एंड देन ऑफकोर्स यू कैन टेस्ट इट आउट, यू कैन ट्राई इट आउट, आप डिफरेंट ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो, ये एग्जैक्ट ये फूड प्लान भी फॉलो कर सकते हो, सो ट्राई फॉर योरसेल्फ एंड व्हाटएवर वर्क्स दैट्स ग्रेट। तो अगर मैं 1300 कैलोरीज का एग्जांपल लेके चलूं तो अगर आप ब्रेकफास्ट में ऑप्ट करते हो ओटमील जैसे ऑप्शंस या दलिया जैसे ऑप्शंस, राइट नाउ मैं ज़्यादा बात करूंगी ओटमील के बारे में क्योंकि मैं वही प्रेफर करती हूं, तो ओटमील को मैं बनाती हूं ज़्यादा दूध में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी डालती हूं ताकि मैं उसको रनी खीर की कंसिस्टेंसी की ओटमील बना सकूं। राइट वार्म होगी, ईजिली चम्मच से आप उसको खा पाओगे, नाइस एंड सॉफ्ट होगी, ज़्यादा चबाना नहीं है, बिल्कुल खीर की तरह पीनट बटर डाल के आप उसको खा सकते हो, वार्म होती है, पेट में जाती है, बहुत अच्छा फील होता है, ट्राई इट आउट, ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली लव इट।
तो अगर आप इस तरीके की बेसिक ओट मील बनाते हो तो आप 300 से 350 कैलोरीज आराम से ले सकते हो, डिपेंडिंग आप कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो। लेकिन अगर आप डिसेंट क्वांटिटी में सर्विंग साइज के हिसाब से जो भी पैकेट आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप डिसाइड करो तो 300 से 350 कैलोरीज आप आराम से इस ओट मील से ले सकते हो, जो कि बिल्कुल खीर की तरह टेस्ट करेगी, एंड हु डजंट लाइक दैट। देन लंच में आई प्रेफर दाल, राइट नाउ दाल को अगेन सूप की कंसिस्टेंसी में बनाओ, थोड़ा पतला बनाओ। अगर आप 100 ग्राम्स ड्राई वेट दाल का, कोई भी दाल चूज कर सकते हो आप, उसको लेके दाल प्रिपेयर करो, अच्छी चटपटी दाल अगेन सूप की कंसिस्टेंसी में, ताकि आप सिर्फ चम्मच से उसको अंदर लोगे एंड यू विल जस्ट बी सॉल्विंग इट, कोई ज़्यादा चू नहीं करना पड़ेगा, वॉट नॉट, राइट। उसके साथ व्हाट आई ऑल्सो यूज टू डू वॉज कि एक रोटी लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में डाल दो थोड़ी देर के लिए, राइट, ताकि वो जो रोटी है वो सॉफ्ट हो जाए, और वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि मुँह में जाके ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ता। एंड वाइल्स्ट यू हैविंग योर दाल, जिससे आपको बोथ कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों मिल रहा है, उसके साथ साथ आपकी एक रोटी एटलीस्ट अंदर भी जा रही है, जो कि अगेन होल व्हीट रोटी होती है, उसे भी आपको फाइबर मिल रहा है, यू नो प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है। सो दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस आर ग्रेट। नाउ अगेन एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन आप डिनर में भी ले सकते हो, कि आपने दाल और रोटी ऐसे खाई। व्हाट माय मम यूज्ड टू मेक इज खिचड़ी बना देती थी, आधा चावल आधी दाल, अच्छी पतली खिचड़ी, यू नो नाइस एंड सॉल्टी एंड स्पाइसी खिचड़ी, और जिस तरीके की खिचड़ी हम बनाते हैं हम उसको दूध के साथ खाते हैं, राइट। सो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी कि अब आपने एक ग्लास दूध उसी मील में उसी खिचड़ी को पतला करके साथ में पी लिया, राइट। सो इट बिकम्स अगेन नाइस एंड रनी, उसको हम लिटरली बोल को उठा के यू नो पी जाते थे, एंड दैट्स इट वॉज जस्ट परफेक्ट, नाइस एंड वार्म होता था, बेली के लिए अच्छा, इतनी सारी कार्ब्स और प्रोटीन पेट में चले गए स्ट्रेट अवे, और लिटरली जस्ट फील्स लाइक कि आपको यू नो ड्रिंक पी रहे हो इंस्टेड ऑफ ईटिंग समथिंग। सो दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस आर ग्रेट, यू नो इन दिनों में जब आप इतना ब्लोटेड फील करते हो, आपको कुछ सॉलिड नहीं खाया जाता, तो ये रनी थोड़ी सी चीज़ें, जो पतली थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, अच्छे से यू नो समटाइम्स सम पीपल ब्लेंड ऑल द पीसेज एज वेल, राइट, कुकर में या जिस भी चीज़ में बना रहे हो ब्लेंडर लेके, यू नो लॉट ऑफ पीपल डू दैट एज वेल, ताकि आपको लिटली यू नो वो सूप ही बन जाए जो भी आप खा रहे हो, एंड देन यू कैन जस्ट ड्रिंक इट अवे, ड्रिंक अवे योर कैलोरीज, दैट्स द बेस्ट थिंग, जस्ट ड्रिंक अवे योर कैलोरीज। नाउ ये दाल वाले ऑप्शन से भी और खिचड़ी वाले ऑप्शन से भी आपको 400 से 450 तक की कैलोरीज आराम से मिल जाएंगी। अगेन जस्ट मेक श्योर कि जो ब्रांड्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसेंट लो, ताकि आपको इनफ 400 से 450 तक कैलोरीज आराम से मिल जाएं। तो अगर आप ये 3 मील्स प्रॉपरली ले लेते हो तो आपकी आराम से 1200 कैलोरीज पूरी हो सकती हैं, और बाकी की बची 100 कैलोरीज वो आप एक बनाना खा लो, एक बिग साइज़ बनाना ले लो, उसमें 90 to 100 कैलोरीज होती हैं, आराम से आपकी कैलोरीज भी पूरी हो सकती हैं। इन 3 मील्स में आप आराम से 50 ग्राम्स का प्रोटीन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अगेन ये 50 ग्राम्स ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो। जो मैं ब्रांड्स यूज़ करती हूँ उसके हिसाब से, जो ये मैंने तीनों मील्स आपके साथ शेयर की हैं उससे आपको करीब 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, विच इज़ फैंटास्टिक, राइट। कार्ब्स आराम से आपका पूरा हो गया है, एंड ऑफकोर्स जब आप चीजें कुक करते हो, घी में कुक कर रहे हो, ऑयल में कुक कर रहे हो, तो फैट्स भी साथ में आ रहे हैं। सो दे यू गो गाइज, ईजी सिंपल 3 मील्स, वेरी लिक्विडी, ईजी टू ड्रिंक। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आप कोई एक सिंगल मील एक सिटिंग में नहीं फिनिश कर पा रहे हो, तो उसको 2 सिटिंग में डिवाइड कर लो। आई स्टिल रिमेंबर, मैं पहले आधा बोल खाऊंगी दाल का, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेके देन आई गो बैक टू दैट दाल एंड यू नो उसको माइक्रोवेव में गर्म करके और फिर बाकी की दाल में और 1 घंटे बाद फिनिश कर दूंगी। तो जरूरी नहीं कि एक ही सिटिंग में बैठ के वो सारा बोल आपको पीना है या सारा एक साथ खाना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसको 2 सिटिंग में डिवाइड कर सकते हो, राइट, आधे घंटे या 1 घंटे का गैप दे दो, गिव योर बॉडी टाइम, फिजिकली एक्टिव रहो, उसके साथ साथ आप उसको सिप कर सकते हो। नाउ इसके अलावा बिकॉज ये चीज़ें इतनी रनी है, इनमें इतना लिक्विड है, दैट्स ग्रेट एज वेल, क्योंकि उन दिनों में आपको लिक्विड की फ्लूइड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यू नो बाय मेकिंग योर मील्स दिस वे आप इंश्योर कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और फ्लूइड आपकी बॉडी में जा रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा हाइड्रेट रहने में भी। सो एज आई सेड, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बेसिक सिंपल फंडा है, ट्राई फॉर योरसेल्फ और देखो आपके लिए क्या काम करता है, एंड स्टिक टू दैट प्लान। ऑलराइट यू गाइस, ऑन दैट नोट मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय गाइस।